ज्ञातिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्प कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। वैदग्ध सिन्धुरनुरागैक सिन्धु वात्सल्य सिन्धुरति सान्द्र कृपायक सिन्धु लावण्य सिन्धुरमृत शबिकेल सिन्धु श्रीराधिके स्फुरतु मे हृदि केल सिन्धु। वृन्दाये तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोल हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हरि शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद साधु संघ की क्या महिमा है विभिन्न ग्रंथों से उद्धृत करते हुए यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपना मैया श्री कौन है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अपना मैया सची को ये बात कह रही है और उधर से कपिलदेव माता देहूती को बता रही है, है? इसलिए भगवान कपिलदेव के तुम्हारे माँ कहती ये कहते सब साधु सुकृत्य अगर किसको साथ में प्रीति करना प्रेम करना है किसको साथ में करनी चाहिए कहते साधुओं को साथ में ही करनी चाहिए और किसी को साथ में प्रीति प्रेम नहीं करनी चाहिए। इसलिए साधु से करो, साधु से करने पर क्या होगा, साधु को साथ में उठेंगे बैठेंगे हम जिसको साथ में उठेंगे बैठेंगे धीरे 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 उसको स्वभाव धीरे धीरे हमारे अंदर में संक्रमित तो होने लग जाएगा, है संक्रमित तो होने लग जाएगा। इसलिए केवल भवसागर से पार बनने का केवल यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते भागवत में है कहते श्री मुच्चुकंद को प्रति भगवान कृष्ण कह रहे हैं बले भवा अपवर्ग भ्रमोत जदा जनस्य तहिर अच्युत सत्समागम जहिर तदैव सद्गतौ परावरेश जाए तोई मति। भगवान कह रहे देखो ये जीवन में ये साधु संग कब मिलता है, कि जीवन में साधु संग तभी मिलता है बोले भवा अपवर्ग भ्रमेत जजा जनस्य चहिर अच्युत सत्समागम। हम अनादिकाल से कृष्ण भूलि सही जीव अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारे दे संसार अधिक। अनादिकाल से हम भगवान को भूल करके कभी राजा बनते हैं कभी प्रजा बनते हैं कभी सुखी बनते हैं कभी दुखी बनते हैं कभी स्वर्ग में जाते हैं कभी नरक में जाते हैं कभी कीड़े मकोड़े
ऐसे ही हम संसार चक्र में हम भटक रहे हैं, संसार में हम भटक रहे हैं। भटकते भटकते कहते हमारे ज्ञान और अज्ञान में कहीं ना कहीं हमारी भक्ति उन्मुख सुकृति बनी रहे है। अनजान में कहीं प्रसाद पा लिया, तुलसी परिक्रमा कर लिया है, कहीं तुलसी परिक्रमा कहीं बैठ करके भगवान की कथा हमने सुन ली। इसको द्वारा क्या होता है, कहते ये अज्ञात हमारी ये सुकृति बन रही है। इसलिए पहले मैंने कथा सुनाया था आपको, कहते कैसे हमारी सुकृति धीरे धीरे बनती है। गुरुदेव ये कथा सुनाते थे, बोले एक साधु था, रोज एक गांव में भिक्षा करने जाता था, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ तो देते थे, लेकिन एक बुढ़िया थी, बड़ी कंजूसी, एक पैसा भी उसके हाथ से निकलने वाले नहीं। वो मक्खी चूस रहे हैं, वो मक्खी चूस मतलब क्या, अगर मक्खी अगर कहीं गिर पड़ा किसी में सहे देवे ना, उसको भी छोड़ेगा नहीं, उसको भी चूस करके उसको भी फेंकेगा, लेकिन एक पैसा उसके हाथ से निकलती नहीं। लेकिन ये साधु बड़े दयालु, साधु बड़े कृपालु, वो चाहते किसी ना किसी तरह से इनसे कुछ वस्तुओं को लेकर के हम ठाकुर जी को सेवा में लगाए, इनकी सुकृति बने, धीरे धीरे संस्कार बने तो इसके उधार हो, क्योंकि साधु बड़े दयालु बड़े कृपालु साधु। लेकिन वो देती नहीं, गाली देती है। एक दिन सवेरे सवेरे साधु बाबा पहुंच गए, माता जी क्या कर रही थी, मिट्टी और गोबर से कपड़े को भिगा करके घर में लिपा पोता लगा रही थी। बोले माता जी को जो भिक्षा दो, बोले तारी के सवेरे सवेरे आ गया है, है कोई काम धाम नहीं, बोले भिक्षा दो, बोले भिक्षा ले, पास वो कपड़े को उठाया और मारे उसको ऊपर। लेकिन संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। बोले अभी तक तो कुछ नहीं दे रही थी, आज तक थोड़ी बहुत कुछ दे दिया। उसको लेकर के मलमल करके उन्होंने धोए और उसको सुखाया और बत्ती बना करके शाम को घी में भिगवाया और ठाकुर जी को उन्होंने जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती कराए ललिता दिसखी गाय, भगवान को उन्होंने आरती उतारे। लेकिन वो वस्तु किसका है, वो वस्तु किसका है, वो बूढ़ी माता की है। लेकिन वो जब ठाकुर को सेवा में लग गया, क्या हुआ, उसकी सुकृति बन गई। सुकृति जब बन गई ना, अपने आप उसका हृदय बदल गया, अपने आप उसकी हृदय बदल गया, परिवर्तन हो गया। सोचने लग गई, हाय रे साधु कितने दयालु कितने कृपालु, मेरे घर में आते थे कृपा करके आप तो दिया ही नहीं, और कपड़े गोबर और मिट्टी से पत्ते हुए कपड़े मैंने फेंक करके मारा, कल आएंगे तो माफी मांगूंगा, जरूर कुछ ना कुछ भिक्षा दूंगा। बाबा जब दूसरे दिन ही आए ना गांव में, कोने में जब प्रवेश किया, बूढ़ी मैया ने जोर से आवाज लगा, बोले बाबा आज मेरे घर में भी आई हो। संत ने दिखाई तो गाली गलौज करने वाली, ये कैसे घर में बुला रही है, हैं? लेकिन जब घर में आए, आसन देकर बैठा है, माफी मांगे है, और उनको कुछ उन्होंने भिक्षा प्रदान की। कहते ये जान और अनजान में क्या होता है, हमारे कुछ संस्कार बनता है। इसलिए नियम है, जो लोग बाहर से हमें कोई चीज भिक्षा देते हैं ना, वो जो भिक्षा जो प्रदत्त वस्तु है उसको सही सही ठाकुर की सेवा में वो लगानी चाहिए। अगर ठाकुर की सेवा में लगेगा, जो देने वाले व्यक्ति का क्या होगा, उसकी संस्कार बनेगा, उसकी सुकृति बनेगा। इसलिए वो पैसा को कभी कभी हमें आत्मसात नहीं करनी चाहिए। आत्मसात करेंगे तो उसका सारे जो पाप है ना, कदा हमारे ऊपर में उसकी सारे पाप भोगना पड़ेगा, है उसको भोगना पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति था, साधु था, उसको भिक्षा मिलता था, लेकिन वो उसको जमा करके रखता था, है, और भगवत सेवा में नहीं लगाया, ठाकुर को सेवा में नहीं लगाया, रखता था। कभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया तो क्या हुआ, उसने प्रेत बनकर आया। क्या बनकर आया, वो प्रेत बनकर आया। एक दिन उसका कोई एक साधु दोस्त था, एक दिन हठात देखा वो लड़का, वो आदमी साधु बाबा, उसने कहा ए तू तो मर गया था, तुम यहाँ खड़ा कैसे, कहते भैया मैंने प्रेत बन गया। बोले फिर बताओ तेरे लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, बोले देखो अमुक स्थान पर जाओ, मैंने कुछ पैसा रखा, वो पैसा को लो लेकर के ठाकुर को सेवा में लगाओ, और जितने संत हैं सारे संतों को नौता देना, निमंत्रण देना, और ये जो प्रसाद सबको प्रसाद खिला देना, करने से मेरे उद्धार हो जाएगा। फिर जब उन्होंने भगवत सेवा में साधु सेवा में लगाए, फिर उनको उद्धार हो गया। इसलिए
भगवत सेवा की वस्तु को कभी आत्मसात नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कद ऐसे ही भक्ति उन्मुख सुकृति जब इकट्ठे होते 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 कद जब स्थूल रूप धारण करता है, बड़ा रूप धारण करता है, कद क्या होता है, जब जीवन का सारे दुख कष्ट समाप्ति का समय आता है, बोले तही अच्युत सत समागम, तभी जीवन में साधु संग जीवन में तभी मिलता है। अगर जब जीवन में साधु संग मिल जाए, जब साधु संग मिल जाए क्या होगा, बोले सत्संग चहिर, जब जीवन में साधु संग मिले कब, बोले तदैव सद्गतो परावरे जायते मति है। इसलिए जब ऐसे साधु संग मिलेगा फिर उसको तेरा क्या होगा, पास जब साधु संग मिलेगा उनको साथ में मत कथा, बोलो मत कथा, मदगता चिंता बोधयते परस्पर कथयन्ति च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसलिए साधु सब क्या करते हैं, साधु लोग आपस में हरि कथा करते हैं, हरि चर्चा करते हैं, फिर साधु संग करते 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 भगवान की कथा सुनते सुनते उनको साथ में रहते रहते क्या होगा, धीरे धीरे साधु जो करेंगे हम भी तो वही करेंगे, साधु जो करेंगे हम भी वही करेंगे, वो मंगलारती उठते हैं हम भी मंगलारती में उठते हैं, हम वो हरिनाम करते हैं हम भी हरिनाम करेंगे, वो भी कीर्तन में बैठे हैं हम भी कीर्तन में बैठेंगे, वो भी कथा सुनते हैं हम भी कथा सुनेंगे, वो भी ठाकुर की सेवा करते हैं हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे, क्योंकि जैसे संग करेंगे वैसे रंग बदलेगा। संग क्या है, बोले मूल संग है, मेन संग है, धीरे धीरे उनको करते करते और सुनते उसमें बताए चरित्र में बताए, कहते नारद जी बोल रहे हैं व्यास देव इतने जल्दी हमें भक्ति कैसे मिली, बोले साधु संग से कैसे मिली, साधु संग से मिली, लेकिन हमने जब साधु संग किया ना हमने देखा है क्या देखा, बोले उनको अंदर में नौ गुण देखा, क्या देखा, क्या क्या बोला, हाँ हाँ, इसलिए शांति अभ्यर्थ काल तम विरक्ति मान शून्यता आशा बद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। श्लोक याद है, हाँ ये श्लोक याद है, बहुत अच्छे श्लोक है, कहती ये भाव, जब भाव का जब अंकुर होता है इस क्या लक्षण दिखाई पड़ता है, बोले क्षांति मतलब क्या है, बोले जीवन में भले ही जितने दुख कष्ट आ जाए जीवन में वो कभी दुखी नहीं होते, लेकिन बद्ध जीव का क्या स्वभाव है, देखना अगर जीवन में थोड़ी सी कोई दुख आ जाए ना, कोई थोड़ी सी दुख आ गया जीवन में, हम जीवन में कभी वही दिमाग में वही चीज घूमती रहती है, वही चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और थोड़ी सी परेशानी आ गई ना भले कोई चीज को नहीं छोड़े, बोले माला को छोड़ देंगे, क्या छोड़ देंगे, बोले ठाकुर जी तेरा हमने इतने सेवा भजन किया तुमने यही किया हमारे साथ में है, यही तुमने मेरे साथ में किए हो है, इसलिए पहले हम माला छोड़ने के लिए तैयार बैठते हैं, लेकिन बोले क्षांति, क्षांति मतलब जीवन में जितने खोफ का समय आने पर भी कभी भी भगवत भजन को जो कभी नहीं छोड़ते, जैसे हरिदास ठाकुर जी हैं, उनको 22 बाजार में पिटाई हो रही थी, 22 बाजार में पिटाई हो रही थी, लेकिन जितना जोर से पिटाई हो रही थी ना वो उतना जोर से क्या कर रहे थे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे। और जब उनको 22 बाजार में पिटाई हो गई ना, बाद में मैंने क्या बताया, बोले हमने इन कानों में भगवान की बुराई सुना है ना, निंदा सुना, इसलिए ठाकुर जी क्या किया, हमें थोड़ी सी दंड देकर ठाकुर जी हमें छोड़ दिया, कबल ठाकुर जी थोड़ी सी दंड दिया, ज्यादा दंड नहीं दिया, कल थोड़ी सी दंड प्रदान किया है, मतलब उनकी बुद्धि है इसे, लेकिन साधारण व्यक्ति का बुद्धि क्या है, है? कहते साधारण व्यक्तियों का बुद्धि क्या, अगर थोड़ी सी दुख कष्ट आ जाए ना सारे जो दोष है ना सब ठाकुर के ऊपर लगा देंगे, सबके सब ठाकुर जी के ऊपर में, ठाकुर जी तेरा हमने इतने भजन किया, इतने भक्ति की, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने यही किया है हमारे साथ में, तुमने यही किया, जा भजन भजन हम कुछ ऐसे तेरा नाम नहीं लेंगे भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन श्रीवास पंडित का बेटा मर गया है, उनका बेटा मर गया, इतने प्यारे बेटा, लेकिन श्रीवास पंडित पहले जितना खुश होकर नृत्य कर रहे थे ना, जब उनको पता चला जब आए उससे और ज्यादा
है उससे और ज्यादा खुश होकर के छलांग लगा लगा करके नृत्य कर रहे थे, छलांग लगा लगा करके नृत्य कर रहे थे। इसलिए कहते हैं, कहते इनका पहला गुण है ख्यातिर। ख्यातिर मतलब खोब का विषय आने पर भी कभी खोवित नहीं होना। जैसे जैसे युधिष्ठिर, इनका नाम क्या है, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मतलब क्या, मतलब युद्ध अवस्था में जो स्थिर रहते हैं, युद्ध अवस्था में जो स्थिर रहते हैं, इनका नाम युधिष्ठिर है। हैं द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रही है, अगर भरी सभा में तुम्हारी पत्नी की है, जिनकी इतने बलवान भीम जैसे कितना बड़ा गांडी गदाधारी कोई नहीं, अर्जुन इतने बड़े गांडीधारी कोई नहीं, भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर महाराज, तलवार युद्ध में है नकुल सहदेव, भरी सभा में वहां पर वस्त्र हरण हो रहा है, वस्त्र हरण हो रहा है, भीम का भुजा फड़क रहा था, मौका मिले सर तोड़ दू किसका है, दुशासन का सर में तोड़ दू है। इसलिए अर्जुन उसको बहुत फड़क रहा था उस समय, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे थे, उसी अवस्था में भी स्थिर रूप में, उसकी अवस्था में भी स्थिर रूप में कोई चंचलता नहीं। बोले क्यों, ये लोग इतना दुख भरी सभा में तुम्हारी पत्नी की वस्त्र हरण हो रहे हैं, कोई पति सहन कर सकता है, प्राण त्याग दे देगा है, प्राण त्याग। लेकिन उसी समय में भी युधिष्ठिर महाराज स्थिर, बोले क्यों स्थिर है, बोले भगवान के ऊपर भी इनकी विश्वास है, क्या है, रक्षिष्यति इति विश्वास, उनके ऊपर भगवान के ऊपर विश्वास, क्या विश्वास, भगवान जरूर द्रौपदी की लाज रक्षा करेंगे। क्यों, बोले कृष्ण यद्यपि हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं, द्रौपदी को, इसलिए कृष्ण द्रौपदी को अपना सखी बोल करके संबोधन करते हैं, कहते सखी, अगर ऐसे जो सखी कृष्ण बोले, उसने बोला गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम ऋषि लोग कह रहे युधिष्ठिर तुम्हारी भाग्य की कोई सीमा नहीं, सबर देखो, क्या सबर देखो, तुम्हारी घर को बाहर में कितने ऋषि लोग लाइन में खड़े रहते हैं, क्यों, कृष्ण को दर्शन करने के लिए, लेकिन वो कृष्ण आज कहां पर, तुम्हारी घर में, तुम्हारी घर में बैठ करके हंसी दिल की पासा करते हैं, है तुम्हारे साथ में खा रहे पी रहे हंसी दिल कर रहे, वो गुणो परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, वो परम ब्रह्म परात्पर तत्व, वो मनुष्य रूप धारण करते तुम्हारी घर में, समझ जानते हो कितने तुम सौभाग्यवान, ऐसे भक्तों का अगर विवस्त्र हो वस्त्र हरण हो कभी हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये युधिष्ठिर महाराज को ना पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर, इसलिए युद्ध अवस्था में भी वो स्थिर है, तभी उनका बुद्धि विचलित नहीं होता है। इसलिए कहते ख्यांति, ख्यांति मतलब खोब का विषय आने पर भी जिनका बुद्धि कभी विचलित नहीं होते, हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अरे जोर से बोलो कोई सब मरे थे, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए बोले ख्यांति, और उसका कहते हैं अव्यर्थ काल, तो अव्यर्थ काल तो मतलब वो कभी अपना समय को कभी बर्बाद नहीं करते, समय को कभी बर्बाद नहीं करते हैं, है? समय को कभी ऐसे नहीं, स्मार्टफोन में लग गई तो लग गई उसमें घंटा घंटा जा रहा, घंटे को घंटे उसमें देखने में लग गए, हाँ उसमें जा रहे थे समय जा रहा, इसलिए ये बीमारी है, ये बीमारी, देखो ये साधु का लक्षण बता रहे हैं। इसलिए कहते ख्याति अभ्यर्थ कालतम, इसलिए कभी भी समय को ये बर्बाद नहीं करते हैं, समय को क्या करते हैं, भगवान की कथा कीर्तन भजन है, भगवान की भक्ति में लगाते हैं, अभ्यर्थ विरक्ति, जिस चीज में है, जिस चीज में जो भक्ति का जो प्रतिकूल जो वस्तु हो वो चीज में विरक्ति है, उसमें उनका कोई अनुराग नहीं, अनुराग इसमें भक्ति है अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, इसलिए जिसमें ये देखेंगे नहीं, इसमें कोई गुरु वैष्णव का सेवा नहीं, उसमें ठाकुर का कोई भी इसमें प्रीति है ही नहीं, है ठाकुर का कोई प्रीति नहीं, उससे कोई मतलब नहीं रखनी चाहिए, कोई उसमें चीज मतलब नहीं रखनी चाहिए, उसी चीज में मतलब रखनी चाहिए,
जिसमें गुरु वैष्णव ठाकुर का प्रीति हो, जिसमें भगवान की प्रीति हो, केवल वही चीज में ही प्रीति रखनी चाहिए और किसी चीज में प्रीति नहीं रखनी चाहिए है। इसलिए कहते विरक्ति, कहते मान शून्यता, इनके हृदय में हमारे कोई जय जयकार करे, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो प्रतिष्ठा है ना, ये ऐसे की चीज है। इसलिए महाप्रभु गुंडीचा मंदिर मार्जन करते समय ना कपड़े को लेकर घीस घीस कर साफ कर रहे थे। क्या घीस घीस साफ कर रहे थे, कहते जो प्रतिष्ठा हर चीज छोड़ सकता है, बीवी को तुम छोड़ सकते हो, परिवार को छोड़ सकते हो, धन दौलत को तुम सब चीज को तुम छोड़ सकते हो, लेकिन जो प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा सा धृष्टा सपच रमणी में हृदय नट्टे, इसलिए इसको उन्होंने उदाहरण दिया, प्रतिष्ठा सा धृष्टा सपच रमणी, ये चंडालिनी है, ये चंडालिनी है। अगर कहीं बीच सभा में अगर थोड़ी सी कोई निगलेक्ट हो जाए ना बस है, अगर थोड़ी सी कहीं अनादर हो जाए है, हमारे कितने अंदर में लगता है। और प्रतिष्ठा ऐसे की चीज है, ऐसे की चीज है ना, अंदर का अंदर में बैठा रहता है, अंदर की अंदर में बैठ, सहज में ये चीज नहीं निकलती। इसलिए महाप्रभु ने क्या कर रहे थे, घिस घिस करके उसको निकाल रहे थे। लेकिन ये जाएगा कैसे, कभी सुनने भर नहीं जाएगा, ये सुनने भर नहीं जाएगा हृदय से। कहते परम दृष्टा निवर्तन्ते, परम दृष्टा निवर्तन्ते, मतलब क्या है कि जब तक तुमको कोई हायर टेस्ट नहीं मिलता है ना, लोअर टेस्ट को तुम छोड़ नहीं सकते, जितना भले ही बोल दो। माधवेंद्रपुरी ठाकुर जी इनके लिए खीर चोरी किया, लेकिन उन्होंने रातों रात भाग गए वहां से। बोले क्यों, साधारण लोग होता ना, अरे यहाँ पर दो चार दिन जम करके बैठ जाए, क्योंकि अभी पता चला गया ना ठाकुर मेरे लिए खीर चोरी किया, अभी सारा दुनिया लोग आएंगे प्रणाम करेंगे, हमें आदर देंगे, जतन देंगे, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, और किसी दुनिया रोक गया। लेकिन पूरी क्या किया, प्रतिष्ठार भय पूरी जाय पलाया, माधवेंद्रपुरी आता रात वहां से भाग गए। बोले क्यों, सवेरे आते ही क्या करेंगे, लोग प्रणाम करके बोले ठाकुर आपके लिए खीर चोरी किया, कितने महापुरुष है, इसलिए रात रात होने भाग गए वहां से है, भाग गए। लेकिन जब पुरी आई ना जगन्नाथपुरी में, यहाँ पर जगन्नाथ जी स्वप्न राजा को दिया, बोले महाराज ब्रज से मेरे आके भक्त आ रहा है, वो मलय जो चंदन लेकर के मेरे शरीर में लगाना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था कर देना। जब ये पुरी में आए ना, राजा बोले भैया इसे कौन संत आ रहे हैं, जगन्नाथ जी मेरे को स्वप्न दे रहे हैं, वो आते ही उन्होंने फूल माला चंदन आरती लेकर के इनके लिए तैयार। माधवेंद्र पुलिस सोचे हमने कहा प्रतिष्ठा को छोड़ करके पुरी भागते भागते आया, और यहाँ पर जगन्नाथ जी यहाँ पर स्वप्न दे दिया है। इसका मतलब है जे नाभा से तार है विधाता निर्भित, जो ये चीज नहीं चाहते ना, प्रतिष्ठा इज्जत नहीं चाहते, भगवान स्वयं उनको, ठाकुर जी उनको स्वयं प्रदान करते, स्वयं ठाकुर जी उनको प्रदान करते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति मान शून्यता असाबंध, असाबंध मतलब क्या है, हाँ देखो ये चीज को समझो, असाबंध का मतलब होता है भगवान हमें एक दिन जरूर मिलेंगे, उनके हृदय में ये दृढ़ विश्वास रहता है। क्या रहता है, एक दिन हमें भगवान मिलेंगे ही, ये इनके हृदय में ये विश्वास दृढ़ रहता है, ये दृढ़ रहता है जरूर ठाकुर मिलेंगे। लेकिन देखो ये चीज अच्छी तरह समझो, लेकिन ठाकुर हमें जरूर मिलेंगे अनुभूति कब होगा, जब हम निष्कपट रूप में है, जब हम निष्कपट रूप में भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, हरि नाम करेंगे हैं, हरि नाम करेंगे, तभी ये चीज हृदय में अनुभूत होती है। इसलिए क्या करनी चाहिए, नियम है जो हरि नाम है ना, एक जगह पर बैठ करके मन लगा करके हृदय से पुकार पुकार करके रो रो करके हरि नाम करनी चाहिए। इसलिए श्री बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोना सीखो। कोई एक व्यक्ति आया बामन गोस्वामी महाराज के पास में है, महाराज जी हमारे कल्याण कैसे होगा, भगवान कैसे मिलेंगे, बोले रोना सीखो। क्या सीखो, वो व्यक्ति तो चक्कर में पड़ गया, बोले तो संतों के पास में, हम तो संसार में ऑलरेडी रो ही रहे हैं, संसार में सब कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहता तो उदास, संसार में सब रो ही रहे हैं, बोले ऑलरेडी हम संसार में रो ही रहे हैं, अब ये क्या कहे, रोना सीखो और रो। उनको तो समझ में नहीं आया, वो तो वापस चले गए, रात भर सोचते रहे गुरु जी क्या बोले, रोना सीखो रोना सीखो। फिर दूसरे दिन आए, बोले गुरु जी आप बताया क्या, रोना सीखो, आप तो रो रहे हैं और कितना रोएंगे संसार में, आप क्या बताए। बोले देखो
जब तक बच्चा नहीं रोता है ना तब तक मैया उनको दूध नहीं पिलाती, जब तक नहीं रोएगी हरि नाम करते करते महाराज, जब नहीं रोगे ठाकुर का हृदय द्रवीभूत नहीं होगा, है ठाकुर का हृदय द्रवीभूत नहीं होगा। इसलिए वो कहते थे रोना सीखो, एक जगह पर बैठ करके ना मन लगाकर कुछ समय हरिनाम करो। कभी कभी होता है ना बहुत दिन तक हम मठ में रहते हैं लेकिन हम सही सही हरिनाम नहीं करने का नाते हमारे हृदय में जो भगवान है एक दिन मिलेंगे वो विश्वास नहीं रहता है। कभी कभी क्या होता है अरे इतना दिन तक रहा तो कुछ तो हुआ ही नहीं, हमें इतना दिन तक मठ में रहा सेवा किया ये किया और सब बेकार, सब बेकार है। क्यों ऐसे क्यों लगता है, क्यों कारण है, हमने हृदय से रो रो करके भगवान को नहीं बुलाए। इसलिए तदस्म सारम हृदयम वदेतम, इसलिए कहते अगर भगवान के नाम को लेकर हृदय द्रवीभूत तो नहीं हो रहा है, आंखों से आंसू नहीं बह रही है, क्या समझनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी अपराध है, कहीं ना कहीं हमारी अपराध है। इसलिए भगवान का नाम लेकर के आंखों से आंसू नहीं आती। इसलिए क्या करनी चाहिए, एक जगह पर बैठो है, कुछ समय बैठो, बैठ करके हृदय से पुकार पुकार करके अंतर हृदय से ठाकुर जी हमारे ऊपर में कृपा करो गोपीनाथ मम। इसलिए वामन गोस्वामी महाराज कहते थे, कहते दो कीर्तन रोज जरूर करना। वो कहते थे बोले पहला कीर्तन है गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विशेष कर कहते थे क्योंकि हमारे जो हृदय है ना जो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आप हृदय को साथ में मिलाना पूरा मिल जाएगी, पूरा आपको कहते पूरा मिल जाएगी हृदय में। हमारे हृदय में कैसे काम है, कैसे क्रोध है, कैसे लोभ है, कैसे प्रतिष्ठा है माया के प्रति। इसलिए गोपीनाथ मम निवेदन सुना, हमें विषय दुर्जन सदा कामे रह तो किचू ना ही मर गुण। अब मिला करके देख लो हृदय में सदा कामे रह तो किचू ना ही मर गुण। वो कहते थे कीर्तन को रोज, और दूसरा कीर्तन कहते थे हमारे जीवन सदा पापे रह तो ना ही का पुण्य रिलेस है, हमारे जीवन को पाप ही पाप में जीवन है, पुण्य का थोड़ी लेस भी नहीं है। दूसरे का दुख देख करके हमारे हृदय में आग लग जाती है, दूसरे को सुख देख करके हृदय में आग लग, दुख देख करके प्रसन्न होते, सुख देख कर हृदय में आग लग जाती है। लोग दुखी इसीलिए अपना दुख में दुखी नहीं, दूसरे का सुख में दुखी, वो सुख क्यों रहेगा, वो सुख क्यों रहेगा। इसलिए वो जो कीर्तन कहते थे वो कीर्तन रोज कीर्तन को करने चाहिए है। इसलिए यहाँ पर कहते आशाबंध, आशाबंध मतलब होता है उसके हृदय में ये विश्वास रहता है ठाकुर एक दिन जरूर हमें दर्शन देंगे, जरूर देंगे। लेकिन विश्वास कब होगा, जब भजन करेंगे तब विश्वास होगा, भजन नहीं करने से विश्वास कभी नहीं हो सकता। इसलिए कमी हमारी अंदर में, भगवान में कमी नहीं, गुरु वैष्णव में कमी नहीं, कमी हमारी अंदर में। क्यों, जैसे हरिनाम करने से होना चाहिए हम वैसे हरिनाम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे हृदय कभी सुख शुष्क हृदय हो जाता है, क्यों हृदय में अनुभूति नहीं, भजन नहीं करते ठीक से। इसलिए क्या करो, थोड़ी समय में बैठो, बैठ करके रो रो करके हृदय से हाँ और आंसू बहाते हुए अब देखो थोड़े हरिनाम करो, हृदय कितना प्रसन्न हो जाएगा, हृदय कितना खुश हो जाएगा, एक नई आनंद हृदय में अनुभूति होगा। जैव धर्म में बताया ना, जब उस वैष्णव दास बैठ कर हरिनाम कर रहे थे, दिव्य मायापुर को उन्होंने दर्शन किया, वैष्णव जब कर रहे थे उन्होंने दिव्य मायापुर दर्शन किया, कैसे शंकर जी ब्रह्मा जी तिलक लगा करके गौर नाम कीर्तन कर रहे हैं, सबके सब हैं, सबके सब हरि कीर्तन हरि नाम कर रहे हैं, दिव्य उन्होंने मायापुर को उन्होंने दर्शन किया है, हैं कारण क्या, वो हरि नाम कर रहे थे, रो रो कर हरि नाम कर रहे थे। इसलिए कहते आशाबंध, आशाबंध मतलब होता है उसके हृदय में पूर्ण विश्वास रहता है भगवान हमें मिलेंगे ही। आशाबंध पर समुद्कंठा, समुद्कंठा मतलब क्या है, कहते उनके हृदय में हर समय में उत्कंठा बनी रहती है, हृदय में कभी भी है उत्कंठा, कैसे ठाकुर जी मिलेंगे, कैसे भगवान मिलेंगे, ठाकुर जी की कैसे दर्शन मिलेगा, कैसे भगवान की सेवा करेंगे, उसके हृदय में हर समय उत्कंठा जली, इसके हृदय में उत्कंठा बनी रहती है। इसलिए बोले न अयम आत्मा प्रवच बलहीन न लभ, न अयम आत्मा बलहीन न ना लभ, जिसकी जो बल ही नहीं व्यक्ति है ना, मरे गए व्यक्ति, भैया भक्ति के लिए वो लायक नहीं है, भक्ति में वो लायक नहीं, मरे गए भक्ति भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए क्या होनी चाहिए, एकदम उत्साह निश्चय दर्जा तत्त कर्म
प्रबंधनाथ संग त्यागात सत्त वृत्ति सड़बरी भक्ति उत्साह होनी चाहिए इसके हृदय में, उत्साह निश्चय धैर्य इस हृदय में बनी रहनी चाहिए। इसलिए बोले समुद्र कंठा और नाम गाने सदा रुचि, हर समय भगवान की कीर्तन भजन में है, हर समय उनकी उसी में रुचि होनी चाहिए। ऐसे नहीं दूसरा कोई बात में तो बड़ा है उसमें तो बड़ा जोश आ जाता है, यदि अन्य कथा पाओ आटिया सटिया कहो, बुझे इसलिए यदि अन्य कथा पाओ आटिया साटिया कहो और कृष्ण नाम ललिता आलिस, यदि दूसरा बात होता है ना बाप बारे उसमें जोश आ जाता है, अरे हमने ये किया ये देखा। और जब भगवान की कथा हो ना नींद आ रही बालिश लाओ तो तकिया लाओ हम सोना चाहते, और दूसरा बात में बड़ा उत्साह आती है, है? बड़ा उत्साह आती है। इसलिए समुद्र कंठा है बोले नाम गाने सदा रुचि, हर समय भगवान के नाम गान में हर समय उसकी रुचि, बोले आसक्ति था गुणाख्याने भगवान की कथा बोलने में भगवान की कथा सुनने में हर समय उनकी आसक्ति बनी रहती है, कब कथा सुने कब कथा सुने और कब कथा सुनाए कथा बोले है। इसलिए आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद बसत स्थले, जहाँ भगवान का धाम है उस धाम में प्रीति उसके अंदर में प्रीति रहती, जैसे नवद्वीप धाम है जगन्नाथपुरी ये धाम है, है? जैसे श्री वृंदावन धाम है तद उनका प्रति उनकी प्रीति रहती है, प्रीति तद बसत स्थले। उसके बाद में हो गया हाँ? इसलिए यहाँ पर यहाँ कहते यहाँ साधु संघ की महिमा, यहाँ साधु संघ की क्या महिमा, नारद जी कह रहे हैं व्यास देव को पहले मैंने जब ये साधु को संग किया है ना, इसलिए कहते हैं ज्ञान एक विज्ञान है ना, ज्ञान और एक विज्ञान है, कहते ये विज्ञान जब मैंने उस साधुओं को संग किया है वो साधु सब ऐसे थे, वो साधु के सब ऐसे ही साधु थे, कभी भी समय को बर्बाद नहीं, हर समय कीर्तन कथा में रहते थे डूबे रहते, जब उनको संगत किया ना बस धीरे धीरे हमारे अंदर में भी धीरे 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 उनका भाव भी हमारे अंदर में संक्रमित होने होने लग गया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं है? इसलिए बराबर सत्संग जहिर तदैव सदगतो बराबर से जाए तो मती, इसलिए जिस समय ऐसे भक्तों का हम संग करने लग जाते हैं धीरे 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 उनकी संग को द्वारा क्या होता है भगवान के चरण में हमारी मति अपने आप भगवान के चरण में लगने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री और एक श्लोक यहाँ बताए, ये श्लोक श्री चित्रगत तुम लोग ने श्लोक किया ना मतलब मम उत्तम श्लोके जनेशु सख्य संसार चक्रे भ्रमत सुकर्म। इसलिए श्री है श्री वित्रासुर भगवान के चरण में प्रार्थना करे बोले प्रभु कहते मम उत्तम श्लोके जनेशु सख्य है, हमारे जो सख्य है ना किसको साथ में हमारी सख्यता होनी चाहिए, कहते सख्य होनी चाहिए भक्तों को साथ, सबको साथ में नहीं, किसको साथ में होनी चाहिए कहते भक्तों को साथ में ही हमारी सख्यता होनी चाहिए, सबको साथ में सख्यता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सख्य लेकिन हमारी बद्रजीव का हम तो स्वभाव कैसे है, बड़ा विचित्र स्वभाव हमारी विचित्र स्वभाव है, इधर इधर उधर की बात हो रही है और इधर हरी कथा हो रही है, हम बीच में बताओ किस तरफ में जाओगे, किस तरफ में जाओगे आप देखना, प्राय करके ना प्राय करके हमारी जो मति है हा? प्राय करके हमारा मति जहां पर इधर उधर की चर्चा हो ना अब देखना उधर ही जाएंगे, बहुत कम व्यक्ति जो होंगे जिधर हरि कथा हरि नाम हो रहा है तभी वो उसी तरफ में जाएंगे। इसलिए कहते हैं प्रभु अपना कर्म को द्वारा भले ही संसार चक्र में कहीं भी हमारी भ्रमण करते रहे, इसलिए कहते ना प्रभु तब पद जोगे मोर निवेदना नहीं माली देह सुख विदन जाना नहीं माली स्वर्ग मोक्ष नहीं माली ना करी प्रार्थना को ना विभूति रला निज कर्म गुना दोषे जे जन्म पाई
नाम गोन गा किट पशु पति होए थाकि स्वर्ग वाणी राय तब भक्ति रहो भक्ति इसलिए श्री लक्ष्मण ठाकुर भगवान के चरण में यही प्रार्थना करते बोले प्रभु भले ही कहीं कीड़े मकड़े भले ही कहीं क्यों जन्म नहीं हो आप इतना ही आशीर्वाद करो जैसे तुम्हारी भक्तों का साथ में हमारी संग हो जाए तुम्हारी भले नरक में क्यों जाए लेकिन अगर तुम्हारी वहां भक्तों का संग मिलता है ना तो नरक ही मेरे लिए काम्य है। इसलिए प्रभु हमारी प्रीति केवल तुम्हारी भक्तों के साथ में हो विषयी लोगों के साथ में हमारी प्रीति नहीं देखो अगर इतना बात हो कोई याद रख लेना बात जीवन धन्य हो जाएगी हमारी जीवन धन्य हो जाएगी। इतने चीज अगर कोई गांठ बांध ले ऐसे व्यक्ति को साथ में ही हम ममता प्रीति करेंगे लेकिन हमारे स्वभाव क्या जानते हो अगर किसी का थोड़ी कोई मन खराब इधर उधर हो ना किस कारण से देखना वो किसको पास में जाएगा उनसे जो श्रेष्ठ कोई वैष्णव उनके पास में एकदम नहीं जाएगा। जिसको अपने भूत लगता है ना जिसको भूत लगता है वो ओझा को जो मंत्र छुड़ा उसको डरता है उसको पास में नहीं जाएगा क्यों भूत छुड़ा देगा वो भूत छुड़ा देगा है वो उसको पास में नहीं जाएगा किस तरह से जानता है ना सब मार पीट करके भूत को छुड़ा देगा। इसलिए हमारे पूरे माया पिशाच रूप जो भूत चढ़ता है बैठता है ना वो जानता है कुछ किसी श्रेष्ठ वैष्णव के पास नहीं जाएगा जो हमें समझा बुझा करके हमें हमारे मन को शांत उनके पास में नहीं जाएगा जाएगा किसको पास में उससे जो नीचा व्यक्ति उसको पास में जाएगा। बोले हाँ सब ऐसे होते हैं सब बेकार है सब भजन भजन अपना अपना घर में जाओ नौकरी चाकरी करो पैसा कमाओ वहीं पर रहो बेकार है सब उसको पास में जाएगा है वो उसको पास में जाएगा उस समय उसका मन वहीं लगेगा लेकिन किसी श्रेष्ठ वैष्णव के पास में नहीं जाएगा। इसलिए ये विचित्र दुनिया बड़े विचित्र लेकिन यहाँ कह रहे बोले प्रभु कहते प्रभु अब हमारे ऊपर में इतना ही आशीर्वाद करो जैसे भले ही संखार संसार चक्र में कहीं भी भ्रमण करे लेकिन हमारे जो प्रीति है तुम्हारी भक्तों का प्रति हमारी प्रीति हो। इसलिए तुम भगवान तुम्हारे माया बसत हो एखन जे सकल पुत्र कलत्र देह के हमारे चित्त आसक्त हो पुनराय जन ये सकल वस्तुते आसक्ति ना है। अभी जैसे स्त्री पुत्र परिवार में हमारी जैसे आसक्ति है जैसे कभी भी उनका प्रति हमारी आसक्ति नहीं हो आसक्ति केवल तुम्हारी भक्तों के साथ में हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोले श्री सत्संग की निताई गौर ब्रह्मानंद कल कल एकादशी है कौन सा एकादशी कल कल एकादशी अपरा इसलिए कल एकादशी है इसलिए सबके सब कल एकादशी व्रत सबके सब एकादशी व्रत रखियो। हेलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
साई गौरांग जय जय साई गौरांग जगतनंदन जय गौरारी जगतनंदन जय गौरारी जगतनंदन जय गौरारी Oh,